नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 फरवरी 1 और 2 मार्च की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिन सभी का यशमय बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यशमय ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ स्वास्थ्य दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इन तीन दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, 28 फरवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन रविवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और पूर्व फाल्गुनी नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों धृति नामक शुभ योग के बाद शूल नाम का योग रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और राहुकाल के दिन समय रहेगा शाम के 4:59 से लेकर शाम के 6:25 तक। दोस्तों, ये राहुकाल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, 1 मार्च की बात करें तो दोस्तों ये दिन सोमवार के दिन रहेगा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। ये दिन दोस्तों उत्तर फाल्गुनी नाम का नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों, ये दिन योग की बात करें तो इस दिन भी गंड नाम का योग रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में भी बहुत अच्छे योग हैं। और दोस्तों, ये दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 8:19 से लेकर सुबह के 9:45 तक। और दोस्तों, चंद्रमा ये दिन कन्या राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, 2 मार्च की बात करें तो दोस्तों ये दिन मंगलवार के दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और चित्रा नाम का ये दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, ये दिन गंड नाम के योग के बाद जो है वृद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ होगा, जो कि दोस्तों आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। और राहुकाल का दिन समय रहेगा शाम के 3:33 से लेकर शाम के 4:59 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार कर जाएंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों की ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। आपके जीवन में कई बड़े बदलाव भी यश में देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी हद तक सकारात्मक होंगे। दोस्तों, यश में घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए ये जो दिन है अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, नेगेटिव को लेकर बात करें तो इन दिनों में जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावना है, तथा यश में आप झगड़े से बचें। उत्साहित होकर उसके निष्कर्ष पर पहुँच जाते हो और सपने देखने लगते हो। ये खुद के लिए और अपने साथी के लिए बड़े बड़े सपने तो देख लेते हो, लेकिन कई बार इन्हें पूरा नहीं कर पाते हो। दोस्तों, यह समय इन दिनों में आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव और नई शुरुआत का समय रहेगा। आय के नए स्रोत यह समय बन सकते हैं। आपको जो है अपने मामलों को लेकर कुछ नया करने की जरूरत होगी। ऐसा कुछ आप अनुभव कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ अनुभवों से आपको यह समय गुजरना पड़ सकता है, जिनके बारे में आपने पहले कभी विचार ही नहीं किया होगा। जॉब आदि के परिवर्तन के भी यश में संकेत हैं, जो आपके लिए सकारात्मक हो सकते हैं। तनाव से यश में दूर रहना या फिर किसी भी विषय पर अधिक विचार करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो करियर में बदलाव का अच्छा समय है। आप उन व्यवसायी या फिर नौकरियों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप पहले नहीं किए थे। दोस्तों, यश में कुछ नई जिम्मेदारियाँ ना सिर्फ आपके लिए आएंगी बल्कि इनाम भी लेकर आएंगी। अपनी इस पहचान और सम्मान का पूरा मजा लें। लेकिन दोस्तों, यश में ध्यान रहे कि आप किसी भी तरह अपनी छवि धूमिल ना होने दें। वह दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके रिश्ते में और अधिक विश्वास आएगा। अगर शादीशुदा जातकों की बात करें तो ये समय आपके लिए भी अनुकूल परिणाम देकर जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कई अच्छे फल प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों जीवन साथी को आपसे अधिक प्यार की आवश्यकता होगी। उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ प्रयास करें। दोस्तों, यश में आपकी हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो काम पर तनाव आपके जो मूड को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, यश में मौसम जनित किसी बीमारी से आपको कष्ट होता भी है तो वह जल्द ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, यश में आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा
काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। वहीं दोस्तों इन दिनों में बड़े संस्थाओं या फिर समूहों के साथ आपका संपर्क होने की संभावना है। गणेश जी कहते हैं कि ये जो समय है सार्वजनिक संपर्क का दिन रहेगा, आपके सहकर्मी और उच्च पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। थोड़े समय व्यस्त होने पर भी सभी का मजबूत सहारा और साथ सहयोग मिलने से कार्य सफलतापूर्ण पूरे होंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी धन को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे दोस्तों, ये जो समय है कठिनाइयों से गुजरने की संभावना को देखते हुए आपको चौकन्ना रहना चाहिए। तकनीकी कार्य करते समय आप यह समय सावधान रहें। दोस्तों ये जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं को जो है सुधारने या फिर उसे हल करने का दिन रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि चूँकि आपके काम में कोई विघ्न नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों यह समय कोई भी काम में देरी नहीं होगी। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो स्वभाव से तड़क भड़क होने के कारण आप जो है तेज तरार बोली से अपने प्रेमी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। आपको सतर्क रहना होगा। अपने प्रेमी की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील बने सोचने और सही कदम उठाने में आपको कुछ समय लग सकता है, गणेश जी का मानना है। वही दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में आप अपने घर को सुशोभित करने के लिए कलाकृतियों को खरीद सकते हैं। दोस्तों यश में नजदीक के लोगों और परिजनों के साथ घर पर ही फिल्म देखने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों यश में इसके अलावा कुछ दोस्तों रिश्तेदारों को दोपहर या फिर रात को खाने के लिए आमंत्रित करने की योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने विभिन्न कार्यों में खुद को लगा पाए थे, इसलिए दोस्तों अब आपको मन व फिर शरीर को पर्याप्त समय देना चाहिए। यश में दोस्तों से मिलने के बजाय घर पर ही उन्हें बुलाने के लिए आदर्श दिन होगा। वहीं दोस्तों यश में आप अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर के जो भी मुख्य आदमी है वे अपने व्यापार में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो दोस्तों वह रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि खाने के सफेद चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों इन नियम का जीवन भर यथासंभव पालन करने से आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बन जाता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को शुरू कर दें, ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही दोस्तों घर के पूजा स्थल और तिजोरी में सदैव लाल कपड़ा बिछा कर रखें और संध्या में आपकी पत्नी या फिर घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहाँ पर एक अगरबत्ती भी जला दें और उन्हें पूजा भी अवश्य करें, तो दोस्तों इनसे भी आपके घर में लाभ और माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। तो दोस्तों इन उपायों को यश में आप जरूर करें, ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों इसी प्रकार की जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।